इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम मौजू के साथ अहम खबरों पर भी एक नज़र। किसान एहतजाज अदालत की रोक के बावजूद भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के काले कानून को नाफिज करने पर रोक लगा दिया, पर किसान एहतजाज से हटने के लिए तैयारी नहीं। मरकजी मोदी हुकूमत के लिए अब किसान बिल गले की हड्डी बनता जा रहा है। हर काम में जल्दबाजी और बिना सोचे समझे फैसला लेना या मोदी सरकार की आदत अब अंगलट आ गई है। 26 जनवरी के परेड में ट्रैक्टरों के साथ दाखिल होने के फैसले से मोदी हुकूमत को पसीने आने लगे और आखिर बंदूक सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर चलाने की चालाकी मोदी हुकूमत ने की है, ऐसा किसान लीडरों का कहना है। जिस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दिया था तमाम मोदी समर्थक यानी हिमायती है, ऐसा किसानों का कहना। लिहाजा आज भूपिंदर सिंह मान ने अपने आप को अलग करने का ऐलान भी किया। किसानों ने आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी क्यों नहीं माना, इस सवाल पर इनका कहना यह है कि जो 4 लोग सुप्रीम कोर्ट ने मुंतखब किए बतौर कमिटी, दरअसल ये लोग मोदी के ही हैं और इन्होंने पहले ही कहा है कि जो किसान कानून बनाए वो मुल्क के हक में है, यानी इस काले कानून की हिमायत करते हैं। लिहाजा हमें सुप्रीम कोर्ट का डर दिखाकर अपनी राय अपना फैसला थोपना चाहते हैं। आज इन्हीं 4 में से एक भूपिंदर सिंह मान ने किसान की हिमायत में और पंजाब की हिमायत में अपना फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अलग कर लिया है। वहीं दूसरी ओर किसान अपनी बात से हटने को तैयार ही नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं के मिज़दाक कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। कुछ इल्मी दानिश्वरों ने तो पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट को मोदी अमित शाह चला रहे हैं ऐसा कहा। बाबरी मस्जिद राम मंदिर के फैसले का भी यहाँ जिक्र किया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ और अक्सरियत अवाम को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद शहादत मुकदमे के मुजरिमों को बरी करना, 3 तलाक बिल को मंजूरी या फिर गोहत्या पर कानून पास करना वगैरह। मोदी हुकूमत अपने फैसलों को अदालत के जरिए पास कराने का इल्जाम लगा रहे हैं। खैर मोदी हुकूमत के मनमानी फैसले से देश की गरिमा को कलंकित करने वाले ही होते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना। देश की गरिमा यानी तस्वीर को आलूदा करने के फैसले किसे पूछे बगैर और खुद बहुत बड़ी आजादी की जंग लड़ने के मिजदाक, किसी को पूछे बगैर मनमानी फैसले लेना अपनी आदत मोदी शाह बना चुके। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद रंजन गोगोई को राज्यसभा की उम्मीदवारी देना ये इस बात की दलील मानी जाती है कि अगर हुकूमत के मुताबिक फैसले दोगे तो आपको रिटायर्ड होने के बाद भी आपका ख्याल रखा जाएगा। लिहाजा एक जमहूरी ढांचे को किस तरह से पाश पाश किया जा रहा है देखा जा सकता है। अगर किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर के साथ परेड में दाखिल होंगे तो दुनिया में मोदी हुकूमत की बेइज्जती होगी। लिहाजा इसे किसी तरह रोकने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के जरिए किए जाने की बात कही जा रही है। वादा रहे कि इसी तरह भारत के गरीबों को छुपाकर अपनी दोस्ती निभाने की कोशिश नमस्ते ट्रंप के जरिए वजीर आजम मोदी ने अहमदाबाद में दीवार तामीर कर की थी। खैर इतना जरूर है कि भारत की सबसे बड़ी अकलियती आबादी अदालतों की बातों को मानकर खामोश बैठी रही, फिर वो बाबरी मस्जिद का फैसला हो या 3 तलाक का हो या गोहत्या का। पर अब पंजाब हरियाणा के किसानों ने तो आर पार की जंग का फैसला किया है, जिसका सामना मोदी शाह को काफी महंगा पड़ सकता है। रियासत वजारत तौसी के मद्देनजर बेलगाम जिला खास तवज्जो का मरकज रहा, क्योंकि बेलगाम रियासती हुकूमत में 5 वजारत को मौका मयसर हुआ। लिहाजा इसका दूसरा पहलू यह भी है कि कुछ लोग इसमें नाराज भी हुए हैं। बेलगाम शहर साउथ के MLA अभय पाटिल ने ट्वीट के जरिए अपने दर्द को बयान करते हुए कहा कि पार्टी में खुलूस वफादारी के साथ काम करने वालों की कोई अहमियत नहीं है, और भी दिगर कई ऐसे कायद हैं जो भाजपा के बुजुर्ग कायदों से सख्त नाराज है। लक्ष्मण सऊदी, रमेश जारकिहोली, शशिकला जोड़े, श्रीमंत पाटिल और उमेश कत्ती, ये 5 कायद बेलगाम जिला से ताल्लुक रखते हैं। तिप्पा रेड्डी, एम सतीश, एम पी कुमार स्वामी, शिव गौड़ा नायक, ये भी काफी मायूस है। ये और भी दिगर कायद MLA है जो भाजपा में कांग्रेस या दिगर पार्टियां छोड़कर दाखिल हुए थे। MLA तिप्पा रेड्डी ने तो आखिर वजारत हासिल करने का क्या पैमाना है, ऐसा सवाल पूछा। वही कांग्रेस JDS हुकूमत के नैया डुबोकर भाजपा की कश्ती में सवार होने वाले यच विश्वनाथ भी वजारत में न रखने पर मायूस हुए। कुछ लोगों को जब कुछ हासिल नहीं होता तो वो दलील या फिर अकलियती होने का इल्जाम लगाया जाता। अक्सर ये बात
मुस्लिम कायदों में देखी जाती है, जब हुकूमतों में अख्तदार पर रहते हैं तो इन्हें काम याद नहीं आती, करोड़ों की मिल्कियत जमा कर लेते हैं, पर जब इन्हें किसी तरह का ओहदा या हुकूमत गिरती दिखाई देती है तो पार्टी पर इल्जाम लगाकर किसी दूसरे पार्टी में शरीक होते हैं। अब तो खैर कांग्रेस का या दिगर सेकुलर पार्टियों का दौर खत्म होता दिखाई दे रहा है, लिहाजा अपने हाथ कुछ न लगने से मैं मुसलमान होने पर मुझे कुछ नहीं मिला या फिर मैं दलित हूँ इसलिए मुझ पर जाति की गई जैसे बयान दिए जाते हैं। खैर अब आवाम को भी कौम के कायदों पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि यह तजुर्बा जरूर हुआ है खासकर मुस्लिम समाज को कि जब इख्तदार में ये कायद रहते हैं तब इन्हें कौम के लिए कुछ काम करने का याद नहीं रहता। भले सबके पास अपनी अपनी कहानी जरूर होती है, इतना जरूर है कि दलित हो या मुसलमान, अब इनका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। खैर अब रियासत के वजरात की तौसी में अभय पाटिल को जगह न मिलने पर शायद तकलीफ हुई हो, जो इन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी रुदाद बयान करने की कोशिश की है। हाल ही में शहर तरक्याती वजीर बसवराज की मौजूदगी में साबिक मेयर नागेशातिरी से हुई बहस को लेकर काफी चर्चा में रहे, एक बार फिर पार्टी के रवैये पर अपनी राय के इजहार से एक बार फिर अभय पाटिल का नाम जेर मौजूद दिखाई दे रहा है। कोरोना वैक्सीन को बैंड बाजे के साथ बेलगाम में लाया गया, पहले दौर में वैक्सीन कोरोना वॉरियर्स को देने का ऐलान किया गया, कुल 35,000 वैक्सीन दी जाएंगे। पहले दौर में 180 जगहों पर वैक्सीन देने का काम अंजाम दिया जाएगा। बेलगाम में जो वैक्सीन पूना से आई है इसे बेलगाम के अलावा बागलकोट बीजापुर कोप्पड़ गदक को भी बेलगाम से ही भेजी जाएंगी। 16 जनवरी से पहले सभी सेंटर्स पर वैक्सीन का पहुंचना जरूरी है। इस वैक्सीन की कीमत 210 रुपये होगी। सीरम कंपनी की कोविशील्ड ने वैक्सीन बनाई है, तकरीबन 30,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, ऐसा सेहत मुखमा बेलगाम ने बताया। बरोज पीर से अदालत की कार्रवाई मुकम्मल तौर पर जारी रहेगी। कोरोना के मद्देनजर बेलगाम कोर्ट इहाते में रैपिड टेस्ट के जरिए दाखिला दिया जा रहा था, जिससे अदालती कार्रवाई पर काफी असर हो रहा था, लिहाजा हुकूमत की जानिब से बरोज पीर से अदालत की कार्रवाई पहले जैसे शुरू होगी। बेलगाम के साथ दिगर 8 जिलों में कार्रवाई जारी की जाएगी। पिछले 10 महीनों से अदालती कार्रवाई रुकी हुई थी, जो अब फिर से शुरू होगी। महंगाई बेरोजगारी अब नई ऊंचाइयां छू रही है, पेट्रोल ने और छलांग लगाते हुए 91 रुपए का आंकड़ा पार किया हुआ है। खैर भारत की आवाम भी बड़े सब्र तहमुल वाली है, कितनी भी महंगाई हो या बेरोजगारी हो, कितनी भी ऊंचाई छूले पर हुकूमत से सवाल नहीं करेगी। वैसे भी नया दौर तो राष्ट्रवाद का है, अगर आपको देशभक्त बनना है तो आप हुकूमत से सवाल नहीं कर सकते, अगर सवाल पूछोगे तो शायद तुम्हारी देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी पूछा जा सकता है। इससे हिटलर का वो दौर भी याद आता है जिसने देश की आवाम को इस कदर उलझा कर रखा था कि दो वक्त की रोटी हासिल करने को ही तरक्की समझने लगे। खैर जर्मनी जैसा पढ़ा लिखा मुल्क हिटलर को समझ नहीं सका, तो भारत में तो भक्तों की क्या कमी है जो महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल कर सके। खैर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।